हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की सीरीज ऑलरेडी चल रही है और मैं आपके साथ तेलंगाना की सीरीज कंटिन्यू करूंगी। तेलंगाना के बारे में ऑलरेडी दो वीडियोस आपको मिल चुकी होगी। अब हम जो तीसरे कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं वो है कामिनेनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एलबी नगर हैदराबाद में लोकेटेड है। अब बहुत सारे लोगों को तेलंगाना के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे कि तेलंगाना में सर्विस बॉन्ड प्रेजेंट है। बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि तेलंगाना में कोई सर्विस बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। बात करें कॉलेज के बारे में तो ये जो कॉलेज है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1999 का है, तो ये कॉलेज काफ़ी पुराना है। बात करें तेलंगाना के काउंसिलिंग वेबसाइट की, जो कि है www.knruhs.telangana.gov.in। आप इस वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हो, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये होगी। तेलंगाना में पहले ही 2 लाख रुपये नहीं लगती, जो कि तेलंगाना की एक काफ़ी अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि तेलंगाना एक ओपन स्टेट नहीं है, बाहर दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करा सकते, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है। तेलंगाना एक ओपन स्टेट है, बाकी दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तेलंगाना में कैटेगरी वाइज काउंसलिंग होती है 3 कैटेगरी पे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तीनों कैटेगरीज की अपनी अलग अलग राउंड्स चलती है। बात करें कैटेगरी ए की, तो यहाँ की जो कैटेगरी ए है उसकी फीस ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी फीस होती है, और कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है जितना एक गवर्नमेंट कॉलेज का जाएगा, क्योंकि 60,000 यहाँ की फीस होती है। बात करें कैटेगरी बी की, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है इसका फीस ऑलमोस्ट 13 या 12 लाख रुपये के अराउंड होता है। और बात करेंगे थर्ड कैटेगरी, कैटेगरी सी की, जो कि NRI सीट्स होती है, जिसका जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है और यहाँ का जो फीस होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, मतलब 25 से 30 लाख रुपए लगता है जो NRI सीट्स होती है। जो कैटेगरी ए है जिसकी फीस सिर्फ 60,000 रुपये है, वो सिर्फ तेलंगाना के होम स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के लोकल्स के लिए अवेलेबल है। बात करें इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ यूजी सीट्स की, तो 150 यूजी सीट्स है। और बात करें कॉलेज के कैंपस साइज की, तो कैंपस 50 एकर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात करें कॉलेज के कैंपस फैसिलिटीज की, तो कैंपस के अंदर जिम, लॉन्ड्री, लाइब्रेरी सभी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध है। बात करें कॉलेज के कट ऑफ की, तो कॉलेज का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था 526 और सेकेंड राउंड की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साइट पे कंपेयरिंग का फीचर भी लॉन्च हो चुका है, जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ साइट पर जा सकते हो और साइट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। वहाँ पे आप 3 कॉलेजेस सेलेक्ट करके उन तीनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। और आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पे हम आपके सारे डाउट्स फ्री में क्लियर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हैंडल एक्सीडेंटल डॉक्टर है, आप वहाँ आके हमें फॉलो कर सकते हो और हम आपके सारे डाउट्स फ्री में क्लियर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करें कॉलेज के सेकेंड राउंड के कट ऑफ की, तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया था वो गया था 496। बात करें कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ यूजी सीट्स की, तो 150 यूजी सीट्स हैं। तेलंगाना के कॉलेजेस में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ कंपलसरी बैंक गारंटी है। आपको यहाँ के कुछ कुछ कॉलेजेस बैंक गारंटी कंपलसरी मांगेंगे, आपको आपके 5 ईयर्स की फ़ीस की गारंटी देनी पड़ेगी। बात करें कॉलेज के पेशेंट फ्लो की, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये कॉलेज 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो कॉलेज जितना ज़्यादा पुराना होता है वहाँ की पेशेंट फ्लो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। बात करें कॉलेज के आउटिंग टाइम की, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ पे आउटिंग अवेलेबल है। बात करें कॉलेज के हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो हॉस्टल में AC, non-AC दोनों रूम्स की सुविधाएं उपलब्ध है। बात करें अकोमोडेशन पर रूम की, तो एक रूम में 2 या 3 लोग आराम से रह सकते हैं। बस इतना ही इस कॉलेज के बारे में। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे साइट पे जाके प्लान ए को परचेज कर सकते हो। प्लान ए में आपको इंटरनल डिटेल्स ऑफ कॉलेज मिल जाएंगी, जैसे कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सप्लीआई, कोई हिडन चार्ज तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपको प्लान ए में मिल जाएगी। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, तो तेलंगाना की काउंसलिंग प्लान सी के अंडर आएगी, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है। प्लान बी में हम यूपी की काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई साइट की लिंक आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज।